नमस्ते, वेलकम टू गीतु डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है एरीज राशि के लिए। आपका अगस्त और सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है? जो मेजर प्लैनेट चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं अक्टूबर में। दो वक्री प्लैनेट जो हैं वो अब आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड होंगे, शनि प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट, और उसके बाद मेजर चेंजेस हम सबके लाइफ में आने वाले हैं। तो इसलिए कंबाइंड रीडिंग है अगस्त सितंबर के लिए एरीज राशि का। करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपका लव अफेयर, आपके चिल्ड्रन, प्रोजेनी से कनेक्टेड क्वेश्चन और आपका एजुकेशन कैसे जाने वाला है। सो अगस्त सितंबर मंथ के लिए एरीज राशि के लिए फर्स्ट मैं चेक कर रही हूँ आपका करियर कैसा होगा। पास्ट में आप बहुत से एफर्ट्स ले सकते थे, लेकिन आपने लेजीनेस किया है और अपने विचारों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया है, और आपने जो एफर्ट्स आपको उठाने चाहिए थे पास्ट में आपने नहीं उठाए एरीज राशि ने। और आपसे अगस्त सितंबर में आपके लिए एडवाइस है कि जो जो पॉसिबल है सिर्फ सोचे नहीं, एक्शन भी लें, और उसे जो आइडियाज हैं आपके मन में उनको एग्जीक्यूट भी ज़रूर करें। और अगर आपको फेस चेंज करना पड़ रहा है, अगर आपको प्रोफाइल चेंज करना पड़ रहा है, या आपको कंपनी चेंज करनी पड़ रही है आपके जॉब के लिए, या फिर आपको सिटी चेंज करनी पड़ रही है, या कंट्री चेंज करनी पड़ रही है, वो जरूर करें एरीज राशि के लोग। और अगर आप बिजनेस में हैं और आपके बिजनेस में आपको कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ रहे हैं तो वो जरूर लाएं। और पास्ट में थॉट्स आपके मन में आए हैं लेकिन आपने उनको एग्जीक्यूट नहीं किया है, आपने नेगेटिव थिंकिंग लाकर वो चीजों को एग्जीक्यूट नहीं किया है। आपकी फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि एक फ्रेश बिगनिंग होने वाली है, आप रिस्क भी लेने वाले हैं और जो पैसा आप चाहते हैं वो आपके पास जरूर आएगा अगस्त सितंबर मंथ में एरीज राशि के लिए। आपके आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा कार्ड जो है वो नेगेटिव है कि आप आपके पार्टनर से कुछ तो छुपा रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, आपके मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको आध्यात्मिक का सहारा लेना है। आपको दुर्गा चालीसा डेली पढ़नी है और हो सके तो आपको शुक्रवार का उपास रखना है, फास्ट रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की वर्शिप करनी है और माँ लक्ष्मी के जो फास्ट होते हैं वो आपको करने हैं। इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो जाएगा। सफेद कपड़े जरूर पहनने हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करना है और आपके शुक्र प्लैनेट को आपको स्ट्रांग करना है। नेक्स्ट आता है आपके हेल्थ के लिए। थोड़े बहुत माइनर इश्यूज आने वाले हैं अगस्त सितंबर मंथ में, लेकिन उससे कुछ बेटर होने वाला है। मतलब ये एक वेकिंग अप कॉल रहेगा आपके लिए। जो चीजें आप इग्नोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आएगा, लेकिन वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी और वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगा नहीं आपकी लाइफ में। तो ब्लेसिंग का कार्ड है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, ज्यादा आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज नहीं आने वाले हैं। आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत होने वाली है, लेकिन आप डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि आप कुछ क्लासेस ज्वाइन करें, कुछ सीखें, लेकिन एक डर आपको रोक रहा है। तो अपने आप को आपको आध्यात्मिक में भी ग्रो करना है, आपको डेली मंत्र चैंटिंग करने हैं, जैसे मैंने बताया आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, वो आपको आपके रिलेशनशिप के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपके लव अफेयर के लिए नेगेटिव कार्ड है, कुछ ब्रेकअप के चांसेस हैं और आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, आपको विक्टिमाइज किया जाएगा और आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव बोला जाएगा और चीजें जो हैं वो आपके फेवर में नहीं रहेंगी नेक्स्ट टू मंथ्स के लिए। कुछ मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सीधा 10th अक्टूबर या फिर 18th अक्टूबर के बाद कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। नेक्स्ट है आपके प्रोजेनी के लिए। जो लोग भी प्लान कर रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, दे आर प्लानिंग फॉर प्रोजेनी, तो अगस्त सितंबर मंथ में कुछ अच्छा न्यूज आपके लाइफ में आ सकता है। ये बर्थ ऑफ चाइल्ड का ही कार्ड है। और नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको आपके एजुकेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो ग्राउंडेड नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो किसी की हेल्प लें और डिसीजन लें और अपने एजुकेशन को स्टार्ट करें और वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आपके लिए भी एडवाइस है कि आपको माँ सरस्वती की वर्शिप करनी है ताकि आपका एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे।
आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, कि आपका जो अगस्त सितंबर मंथ है कौन से गॉड को आपको वर्शिप करना है ताकि आपके जो इश्यूज हैं आपके लाइफ के वो सॉल्व हो जाए। ओवरऑल कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट लव अफेयर के लिए बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी मैरिटल हैप्पीनेस में भी थोड़े से इट्स डाउटफुल, आपको गुरु नानक जी को वर्शिप करना है। आपके घर के आसपास जो भी गुरु नानक जी का दरबार रहेगा, गुरुद्वारा रहेगा, वहां पर विजिट जरूर करें, वहां पे आप लंगर जरूर चलाएं और लंगर के लिए आप डोनेशन जरूर दें, और हो सके तो इनका कोई बुक आते हैं जो वो आप जरूर पढ़ें, इनकी बाणी आती है, इनके मंत्र आते हैं वो आप जरूर पढ़ें। गिव अप योर सेल्फिशनेस एंड यू शैल फाइंड पीस, गुरु नानक जी का मैसेज है कि आप आपके सेल्फिशनेस को दूर करें, मतलब ही नहीं बने, और आप तभी जाकर आपको शांति मिलेगी। तो अगर आप रिलेशनशिप में, आपके मैरिटल लाइफ में अगर आप सेल्फिश बन रहे हैं, तो सेल्फिशनेस को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। आपके लव अफेयर में अगर आप सेल्फिश बनना छोड़ देते हैं तो आपका लव अफेयर भी अच्छा चलेगा, और आपके एजुकेशन के लिए भी आपको सेल्फिश नहीं बनना है। आपके करियर के लिए भी कार्ड है कि बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप खुद को ब्लॉक करके बैठे हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम ये मैसेज अप्लाई करेंगे तो सेल्फिशनेस से दूर हो जाए, आपका करियर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफर्ट्स जरूर डालें और जो भी आइडियाज आपके माइंड में है एरीज राशि के, उनको एग्जीक्यूट जरूर करें आपके करियर के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।